सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे एक छोटे से प्रोग्राम का दृश्य जो कि गौशाला में हुआ था। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, और तो अब शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जोड़ने पड़े थे इसमें, क्योंकि थोड़े थोड़े करके थोड़े थोड़े कर किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, इस तरीके से हुआ था। तो देखिएगा, बताइएगा, छोटे छोटे से बच्चों ने कितना सुंदर नृत्य किया है। और जो गीत चल रहा है वो आपको सुना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से ये सब यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर एक दूसरा जो प्रोग्राम था सुधामा वाला, वो भी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी चल रहे हैं साथ साथ में, तो उनका भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने ले लिया था। यहाँ पर हमारे हापुड़ के जो सभी नेता लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप तो खैर इन लोगों को क्या जानते होंगे, जो हापुड़ के हैं वही सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है ये प्रोग्राम भी, तो कुछ टुकड़ों में किया था, तो इसलिए कुछ इधर से उधर किसी ने किसी तरीके से ले लिया, किसी ने इधर से ले लिया। इसी तरीके से इसको सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी अपनी, और जो ये लोग प्रोग्राम लेकर आए थे उसका भी बहुत अच्छे से इन्होंने इसका अभिनय किया। और बस उस दिन ये था कि हमारा दिन में भी प्रोग्राम था और शाम को भी हमारा, मतलब रात में भी हमारे स्कूल का कोई मतलब प्रोग्राम था, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। इसी वजह से दो तीन दिन जो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। तो ये देखिएगा, यहाँ पर सभी के द्वारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है। छोटे छोटे भागों में हमने थोड़ा थोड़ा सा इनका वीडियो लिया था कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग म्यूजिक नहीं दिखा सकते साथ में, तो इसकी वजह से सारा कुछ फीका पड़ जाता है और कैसे करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था बहुत ही सुंदर चल रहा था। तो देखिएगा, चलिएगा बिना आवाज़ के ही, लेकिन लुत्फ़ तो उठा ही सकते हैं ना।
कुछ प्रोग्राम कुछ बड़े बच्चों ने भी दिया था जो कि इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी इन लोगों की भी, बहुत ही सुंदर, मतलब जैसे कह सकते हैं मतलब बच्चों का एक रहता है ना कि हाँ हमें कोई स्टेज मिले और अपना दिखा सकें कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ अक्सर हुआ करती हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही सुंदर इन लोगों ने प्रोग्राम दिया था अपना, और बहुत से इनाम भी इन लोगों ने जीते। हमारे बच्चों ने भी बहुत से इनाम कैश पे भी जीता और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जीती हैं यहाँ पे। और तो कैसा लगा आप बताइएगा प्रोग्राम। तो इन लड़कियों ने भी बहुत सुंदर किया था। और ये देखिएगा एक और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, राधा कृष्ण की प्रस्तुति। और ये है बड़े बच्चों की प्रस्तुति है, तो हमारे बच्चे छोटे थे बहुत ज़्यादा तो इसलिए थोड़ा वैसा लग रहा था, लेकिन इनके बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो और भी अच्छे से प्रस्तुति दे रहे थे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब का प्रस्तुति है, देखिएगा एंजॉय की। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे राधा कृष्ण जो कि जब तैयार किए थे तब का हम लोगों ने पिक लिया था। और ये देखिएगा यहाँ पर स्टेज पर सुदामा के साथ भी हैं। और इसी तरीके से हमने छोटे छोटे से जब हम लोगों को टाइम मिला था हम लोगों ने इनका साथ पिक किया खिंचवाया मतलब लिया था, तो बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। और ये देखिएगा हम सब लोगों को प्राइज़ मिला था, टीचर्स को भी मिला था और बच्चों को भी मिला था। और सभी सम्मानित पुरुषों मतलब पुरुषों के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर प्राइज़ बटे थे। और ये देखिएगा यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों के साथ चित्र यहाँ पर मतलब फ़ोटो शेयर की हैं, तो यहाँ पर हम दो टीचर्स गए हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर हमारे राधा कृष्ण लोग को सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया। और तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, इसी के साथ करते हैं या इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। ओके बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।